दोस्तों, कई बार मनुष्य ईर्ष्या और द्वेष में उलझकर स्वयं का ही नुकसान कर बैठता है और फिर बाद में पछताता है। खासकर यह भाव महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है और ऐसा ही कुछ हुआ था इस महिला के साथ। तो आखिर क्या थी वह घटना, आइए जानते हैं वीडियो कलश यूट्यूब चैनल के इस एपिसोड में। इस कथन का वर्णन हमें महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व में मिलता है। दोस्तों, सतयुग की बात है। दक्ष प्रजापति की दो कन्याएं थी, कद्रु और विंता। उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। एक दिन ऋषि कश्यप अपनी दोनों पत्नियों से प्रसन्न होकर बोले कि तुम एक एक करके कोई भी इच्छित वर मांगो। दोस्तों, ऋषि पत्नी कद्रु ने 1000 समान तेजस्वी नाग पुत्रों की कामना की तथा विंता ने केवल 2 पुत्रों की, परंतु कद्रु के पुत्रों से ज्यादा तेज और बलवान। ऋषि के आशीर्वाद से 2 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के 1000 पुत्र अंडे से निकल आए, परंतु विंता के 2 बच्चे अब तक नहीं निकले। अंततः विंता ने धैर्य खोकर अपने हाथों से एक अंडा फोड़ डाला, किंतु उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट हो गया था, परंतु उसके नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था। अतः नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को श्राप दिया, माँ, तूने लोभवश मेरे अधूरे शरीर को ही निकाल लिया है, इसलिए तू अपनी उसी सोत की 500 वर्षों तक दासी रहेगी जिससे तू धा करती है। अब यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उसे अंगहीन ना किया तो वही तुझे श्राप से मुक्त करेगा। यदि तेरी इच्छा है कि तेरा दूसरा बालक बलवान हो तो धैर्य के साथ 500 वर्षों तक प्रतीक्षा कर। तो दोस्तों, इस प्रकार श्राप देकर वह बालक आसमान में उड़ चला और सूर्यदेव का सारथी बना। तब से ही माना जाता है कि प्रातः काल के समय जो आकाश में लालिमा दिखाई पड़ती है वह उसी की झलक है। बाद में वह बालक अरुण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन दोस्तों, इसके आगे क्या हुआ यह जानने के लिए हम चलते हैं अपने अगले वीडियो की ओर। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके हमें अवश्य बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी अनेक धार्मिक एवं आध्यात्मिक कथाओं के लिए धन्यवाद दोस्तों।